चल चल अंदर चल। खोल। साला साला क्यों रे, मेरे पार्टी के लड़के को क्यों मारा? चलो सुनिए दीदी, यहाँ सामने कोई दवा की मुझे नहीं पता है। भैया सुनिए, यहाँ कोई दवा की दुकान है। अरे मुझे कुछ नहीं पता है। बेचारा खा रहा था। भाई जरा इसका मुंह तो देखो। थोड़ी सब्जी दीजिए ना। मैं नहीं दूंगा। मैं पैसे तो दे रही हूँ आपको। अरे मुझे नहीं बेचना है। घर में कोई सब्जी नहीं है भैया। नहीं रहने दो, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बेचूंगा। पी पी चाट चाट कर पी पी मिलो पी। क्या रे, मुझे घूर क्यों रहा है? साला चल। भैया चलोगे क्या? नहीं। आप जरा चलिए ना भैया, पास में ही जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए ना भैया। अरे नहीं जाऊंगा मैं हाथ जोड़। अरे मना किया ना, जाओ। हाँ क्या करने के लिए आ रहा है? रोक दो, मैं पूछता हूँ। रुको 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 रुको, ए उतर उतर। क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? इस घर में जाना है। क्या चाहिए? हाँ मैंने कहा था ना, काम हो जाएगा। अरे दास भाई बढ़िया। बहुत मस्त है। हमारे ऊपर समाज की कितनी जिम्मेदारी है ना? हाँ। भाभी अकेली है तो हमें उनका साथ देना चाहिए ना, उनकी सेवा करनी चाहिए, है कि नहीं? हमारे मोहल्ले में नहीं जो आई है। चलो ना एक बार। कौन है? थाने से आया हूँ। क्या काम है? आपके पति के बारे में पूछताछ करनी है।
नमस्कार सत्य का दास सत्यदास, आपके सामने मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या? देखिए आपके पति अर्णव बाबू, उनके साथ जो हुआ है मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। दीपू जिसका सिर फोड़ दिया है, देखिए अस्पताल से बाहर आकर माथे पर पट्टी बांधकर हमारे साथ वो गाड़ी में बैठकर दारू पी रहा है। हम कहेंगे तो कल वो केस वापस ले लेगा, अर्णव बाबू वापस आ जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? अरे वो चंदा है ना, 10-20 कितना है राजू भाई? नहीं देना होगा। सच में? बिल्कुल। बदले में आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? मतलब हमें थोड़ा खुश कर देना होगा। वो सारा दिन बंदूक लटकाकर शरीर में बहुत दर्द होते रहता है, बस थोड़ी सी जान डालनी होगी, इतना ही। सुनिए कोई नहीं जानेगा जी। किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ सच में। निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं। क्या करोगे? क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? मैं ही पुलिस हूँ। बुलाओ मुझे, बुलाओ ना मुझे, प्लीज बुलाओ। अगर मैं चाहता ना तो जबरदस्ती कर लेता, शरीफों की तरह तुमसे मांग अरे रहा। अरे ओ दास भाई, और इतनी बातें क्यों कर रहे हो यार? हाँ, इसके कुत्ते पति ने मेरे आदमी का सर फोड़ा है समझे, और मैं इससे अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगा। बीप, बीप, तो फिर तुम तैयार हो? मुझे मत चाहिए, वरना मैं लोगों को बुलाऊंगी। चिल्ला क्यों रही है तू? हाँ मैं हेल्प करता हूँ ना, इधर की खिड़की खुली हुई है, इधर का दरवाजा खुला है, वहाँ की दोनों खिड़कियाँ भी खुली हुई है। ओके? ओ भाई सुनते हो, कोई बार है क्या? अरे इस घर में किसी का रेप होने वाला है, कोई तो आकर बचाओ इसे। अरे कोई तो, लो कोई भी नहीं आ रहा, इस मोहल्ले में कोई नहीं आएगा। उसको बचा लो भगवान। देखिए हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों आप लोगों ने हमें पहले दिन से ही टारगेट किया है बताइए, बताइए ना। हम लोग तो चुपचाप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या यही हमारा कसूर है? दया करके आप लोग हमें अकेला छोड़ के चले जाइए, बहुत नुकसान। बस और नजदीक आए तो मार डालूंगी। ये लो देख लो दास भाई, इसका असली चेहरा अब निकल के आया। इसका पति सर फोड़ता है और ये खून की धमकी दे रही है, क्या खूनी फैमिली है। मुझे मारेगी, मुझे 12 मर्डर किया है पर पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई अभी तक, तो मुझे छुरा दिखा रही है। अच्छा चल मार, मार। अरे मार मार, पेट पे मार, पेट पे मार ना। अच्छा अच्छा छाती पे मार, छाती पे। अच्छा अच्छा गला काट, गला काट, कट 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 कट। तेरी तो दास भाई, ये क्या हो गया? क्या करने आया था और क्या हो गया? ए दास भाई देखो ना, क्या हो गया ये? अरे कुछ तो कहो, ये तुमने क्या किया राजू भाई? धत अरे रुको 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 रुको,
ओह, अब केस बनाना पड़ेगा ना। रुको, अब पति के खराब चरित्र के कारण पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हाँ, पली को अटेम्प्ट टू रेप, दीपू का अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके बाद जेल की सजा। ये सब देखकर पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड किया।